अभी पोस्टर्स में कुछ तो कमी लग रही है, आप ही बता दो क्या है कमी। कोई एक कंटेस्टेंट की कमी है भाई, बता दो। प्रियंका को पूछ लीजिए, हम लोग जिसके फैन है उसको ही लेके आएंगे ना। क्यों फैन है ने जो कुछ है रियल गेम खेला है और सारे कंसिस्टेंट से बहुत टॉप किया है। अगर उनका कोई डायलॉग पूछा जाए, अगर आप बोलना चाहो तो हमेशा ओनली वन एक ही डायलॉग फेमस है, सेमड़ी। आपने शिव का लिया है पोस्टर, शिव के बारे में क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं शिव को बोला जा रहा था कि मंडली में एक साजिद सर के पीछे पीछे आए हो, फिनाले तक पहुंच गए हो, उस पे क्या कहना चाहोगे? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, क्यों तो मुझे मालूम है कि शिव नहीं तो एमसी स्टैन दोनों से एक कोई तो जीतेगा। आपको पक्का तो पता है ये दोनों में से कोई एक जीतेगा? क्यों लड़कियां नहीं जीत सकती? रीजन रीजन तो आज सेवन कल सेवन आर सी बच्चे सेवन ये दोनों जन स्टैंड सलमान सर तो बीच में रहे सीओ और एमसी स्टैंड दोनों। और मानो अगर अर्चना आती है और साथ में प्रियंका आती है तो फिर भी आपका सपोर्ट क्या होगा, किसके लिए? लव चाहिए तो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी के मन में तो एक अच्छी भावनाएं रहती है ना हर किसी के लिए। प्रियंका मैम प्रियंका जीतेगी। अगर देखना चाहे तो आप बोल रहे गर्ल्स पावर, तो गर्ल्स पावर तो प्रियंका मैम भी रह सकती है ऐसे देखने का। अर्चना तो नो सॉरी। क्यों? रीजन 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 जी जो वोटिंग ऐसी बाहर से जा रही है। क्या 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 आप कुछ वोटिंग पे वो पांचवे नंबर पे जा रही है ना? कौन लास्ट में? कौन अर्चना? हाँ क्यों ऐसे? कुछ रीजन है उसके पीछे? रीजन है वो इतना किरकिर 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 करती है इसके वजह से। एमसी क्या है, एमसी तो विनर होने वाला है वो, इसलिए क्योंकि उसको जनता का इतना प्यार मिला है। उसके अगर उसको बोलते हैं जैसे बिग बॉस में कि वो कुछ नहीं करता, सोते रहता, काम नहीं करता वगैरह वगैरह, उसकी हम लोग की फॉलोइंग इतनी अच्छी है कि वो उसको विनर बनना ही बनना है। अगर एमसी स्टैन अगर जीता है तो आप सभी उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे मैसेज? जीतेगा तो ऑफकोर्स तो हम लोग को यही प्रेयर है कि विनर एमसी स्टैन ही रहे। हम लोग यही वेट कर रहे हैं, मॉर्निंग 11 o'clock से आए स्टैंड का ही वेट कर रहे हैं कि जीते और मैसेज पहुंचाए। बिकॉज तो बहुत से फैंस रहेगी उसके, आप लोग में भी सब फैंस रहेगी ऑब्वियसली, तो किसी का भी लक चेंज हो सकता है। नहीं तो शिव या तो एमसी दोनों में से बहुत ऊपर जा सकते हैं। बिकॉज उसको मोटिवेट बिग बॉस से एक वो ऑलरेडी सिंगर है, इज द रैपर, इज द रैपर, वो ऑलरेडी ऐसे भी कोई भी इंसान फेमस रहता ही है, बट बिग बॉस से कैसे वो मोटिवेट करना चाहता है कि मैं नीचे से ऊपर आ सकता हूँ। और रियल लाइफ में सबको मैसेज है, ये मेरे को भी मैसेज है, सबको इधर जितने भी जन उनको सबको मैसेज है कि स्टैंड स्टैंड। अगर अच्छा स्टैंड बस्ती का अस्तित्व और एक दिन प्यार, दूसरे दिन क्रिएट करे, तीसरे दिन तू वार, चौथे दिन तू पेट। अगर दोनों में से अगर कोई एक जीतता है तो आप उसको नेक्स्ट कौन से रियलिटी शो में देखना पसंद करते हैं? रियलिटी शो ऑब्वियसली बहुत से जन रहेंगे अभी, बहुत से खिलाड़ी में या बहुत से जन है। क्या आपने प्रोमोज देखे? बहुत सारे प्रोमोज बाहर आए उनके डांस एंड विजुअल्स के, एक मंडली का भी, मंडली का भी एक साथ में एक साथ एक जैसे डेनिम वेयर में आया है पिक्चर, या मीम भी आए उनके बहुत सारे। राइट राइट। और फिल्म सिटी में आज ये हो रहा है एंड ऑल, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिला है कुछ बताइए? पहले हम लोग भी आ सकते हैं ये मैसेज तो, लेकिन यहाँ आना इतना आसान नहीं होता, आपने क्या कुछ संघर्ष किए हैं वो बताइए? बहुत सारे बहुत सारे, किसी को झूठ भी बोला, स्टैंड सॉरी, बहुत जन सॉरी फॉर पे, सब कैसे भी आना पड़ा बट आना पड़ा। बिकॉज इसके लिए तो सब कुछ है ना, देखो ऐसे नहीं कि मॉम डैड को छोड़ के, ये तो बोलते ही है सबके पहले कि फैन फैन तो दिल से ही है इसके, कट्टर फैन है, बट आए तो कैसे भी आए, बस आए जरूर आए स्टैंड के लिए। कोई नहीं स्टैंड का रहेगा पोस्टर लेके, बट हम लोग फुल सपोर्ट है स्टैंड, भारी हम लोग जिधर है। वेल ऑल टुगेदर लाइक चीयर्स फॉर एमसी स्टैंड पी टाउन बेबी सेमडी स्टैंड, लव यू स्टैंड, लव यू स्टैंड, आप जीतोगे, हम लोग आपको सपोर्ट करें और आप भी विनर रहो। पीछे है हम लोग, पीछे है हम ही, पर तुम चम आगे हैं हाँ, दोनों को पीछे, हम लोग दो चम दोस्त भाई, दोनों से एक तो जीतेगा, दोनों से एक नहीं तो दो ही है ना, पर इनर दोनों से एक। थैंक यू सो मच।